बार भी मैंने ये सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उन्होंने कहा था ये अवैध पैसा है, गलत तरीके से लाया गया, और मोहन भागवत जी आज भी चुप। और आज भी मैं पूछूंगा मोहन भागवत जी से कि आपकी क्या राय है, आप तो इनके परिवार के लोग हैं ना, तो आपको अपनी राय सामने रखनी चाहिए। और निर्मला जी तो जैसे मोदी जी गारंटी करते हैं, मोदी की गारंटी ये तो निर्मला की गारंटी लगती है मुझे कि हम दोबारा इलेक्ट्रल बॉन्ड लाएंगे। क्या चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक चंदे का भविष्य है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि अगर भाजपा साल 2024 के आम चुनाव में फिर से सत्ता में आती है तो वो सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद किसी न किसी के रूप में चुनावी बॉन्ड वापस लेने का इरादा रखती है। आइए इस विवादास्पद राजनीतिक फंडिंग योजना के बारे में विस्तार से जाने जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में रद्द कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आर सुकुमार और सुनेत्रा चौधरी को दिए एक साक्षात्कार में सीतारमण ने कहा है कि साल 2024 के चुनाव में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत प्रासंगिक है और उन्होंने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के श्रेय के लिए भ्रष्टाचार और उत्तर दक्षिण विभाजन को हवा देने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए एक नुस्खा पेश किया है। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे 370 सीटें इस चुनाव में भाजपा के लिए एक वास्तविक लक्ष्य है और क्या उसका मानना है द्रविड़ पार्टियों के दक्षिण भारत के लोगों को गुमराह किया है। आगे सीतारमण ने कहा, हमें अभी भी हितधारकों के साथ बहुत सारे विचार विमर्श करने हैं और देखना होगा कि हमें एक ऐसा ढांचा बनाने या लाने के लिए क्या करना होगा जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, मुख्य रूप से पारदर्शिता के स्तर को बनाए रखे और काले धन के सिस्टम में प्रवेश करने की संभावना को पूरी तरह से दूर करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी तक तय नहीं हुआ है केंद्र सरकार शीर्ष अदालत में आदेश की समीक्षा करेगी या नहीं। आपको बता दें कि साल 2018 में पेश किए गए चुनावी बॉन्ड किसी भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खरीद के लिए उपलब्ध थे। इस योजना के तहत कॉर्पोरेट और यहां तक के भारतीय सहायक कंपनियों के माध्यम से विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए दान 100% तक छूट प्राप्त थी, जबकि दाताओं की पहचान बैंक और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों द्वारा गोपनीय रखी जाती थी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था क्योंकि ये राजनीतिक दलों के लिए दिए योगदान को पूरी तरह से गुमनाम करती है और ये जोड़ा कि केवल धन या अवैध चुनाव वित्त के प्रतिबंधित करना योजना के कुछ घोषित उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन ठहरा सकता है, ये असंगत तरीके से जानकारी प्राप्त करना है। सीतारमण ने स्वीकार किया कि योजना के कुछ पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारतीय चुनाव आयोग और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि शेल कंपनियों और घाटे वाली कंपनियों ने दलों को धन दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अच्छे से विचार विमर्श के बाद उन्हें किसी न किसी रूप से वापस लाया जा सकता है। उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाने के लिए निशाना साधा कि भाजपा अन्य दलों से अपनी पार्टी में आने वाले नेताओं के आपराधिक आरोपों की अनदेखी करती है। सीतारमण ने कहा कि भाजपा यहाँ नहीं बैठ सकती है और कह सकती है कि तुम आज मेरी पार्टी में आ जाओ और कल मामला बंद हो जाएगा, मामला अदालत में जाएगा और जिन्हें फैसला लेना होगा वो नहीं कहेंगे और वो आपको पार्टी में आ गया है मामला बंद करें, ऐसा नहीं होता है। तो क्या वो वॉशिंग मशीन एक ऐसे शब्द है जिसका वो अदालत के लिए उपयोग करना चाहिए। आगे उन्होंने अर्थव्यवस्था को अपनी विकास गति बनाए रखने के लिए एक रोड मैप भी रखा, नीति निर्माण में स्थिरता, कराधान की प्रक्रिया का सरलीकरण, GST दर का युक्तिकरण, देश में निवेश में आने में आसान बनाना और जब मैं ऐसा करती हूँ तो ये केवल केंद्र सरकार से नहीं ये राज्य सरकार को भी चाहिए कि स्थानीय निकायों को स्थानीय निकाय स्तर पर सरल अनुपालन लाना होगा। मुझे लगता है कि ये बड़े मुद्दे हैं। जब उनसे तमिलनाडु में भाजपा के गहन अभियान के बारे में पूछा गया जहाँ किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की
साल 1960 के दशक के अंत से उल्लेखनीय उपस्थिति नहीं है। सीतारमण ने कहा कि राज्य का एक स्पष्ट अंतर है, विधानसभा के लिए स्थानीय क्षेत्रीय दल और संसद के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने द्रविड़ पार्टियों को जमीन सौंप दी है। उन्होंने कहा, दिल्ली से जो कुछ भी होता है तमिलनाडु के लिए अच्छा काम जो तमिलनाडु को फायदा पहुंचा सकता है। राज्य में इनकी पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है, उन्होंने इसे क्षेत्रीय पार्टियों पर छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का चुनाव बॉन्ड को किसी न किसी रूप में वापस लाने का इरादा भारतीय राजनीतिक फंडिंग में एक महत्वपूर्ण विकास है। चुनावी बॉन्ड की गुमनामी सुविधा से राजनीतिक दलों को काला धन और गैर कानूनी तरीके से अनुमति मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और फिर से लागू करने का कोई भी प्रयास मतदाताओं के अधिकारों के लिए खतरा होगा। जहां चुनावी बॉन्ड पार्टियों को अपने दानदाताओं की पहचान छिपाने की अनुमति देती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही का शरण होता है। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार और विशेष हितों के प्रभाव बढ़ सकता है। भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और मुखर विपक्ष की कमी है। चुनावी बॉन्ड को वापस लाने से विपक्ष पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उनके लिए धन जुटाना और अधिक कठिन हो जाएगा। हालांकि सीतारमण के आर्थिक रोड मैप में नीति स्थिरता, कर सरलीकरण और GST दर युक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के उल्लेख है। ये सकारात्मक कदम हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही अर्थव्यवस्था की मदद मिलेगी। ऐसे में चुनावी बॉन्ड की गुमनाम प्रकृति सत्तारूढ़ पार्टी को कॉरपोरेट और अन्य हितधारकों से अघोषित धन प्राप्त करने की अनुमति देती है। इससे सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष पर एक अनुचित लाभ मिल सकता है, जिसके लिए धन जुटाना अधिक कठिन हो सकता है, तथा चुनावी बॉन्ड दानदाताओं को अपनी पहचान छिपाने की अनुमति देते हैं, जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश बढ़ जाती है। व्यवसाय और अन्य विशेष हित समूह सत्तारूढ़ पार्टी को गुप्त रूप से धन दे सकते हैं, ताकि अनुकूल नीतियों और निर्णयों को प्रभावित किया जा सके। चुनावी बॉन्ड विपक्ष के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और अधिक कठिन बना सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अपने विशाल वित्तीय संसाधन का उपयोग विपक्षी उम्मीदवारों को कमजोर करने और चुनाव जीतने के संभावना को कम कर सकती है। यद्यपि चुनावी बॉन्ड को वापस लाने का भाजपा का इरादा अभी भी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यह कदम राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है और राजनीतिक वित्तीय पोषण में पारदर्शिता को कमजोर कर सकता है। सरकार को अपने इरादों पर पुनर्विचार करना चाहिए और चुनावी बॉन्ड को वापस लेने से संभावित नकारात्मक परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए विदा, नमस्कार।